हेलो फ्रेंड्स, अगर विदेश जाकर ना पैसा ही पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन स्किल की बात करेंगे, अगर आपके पास उनमें से कोई भी एक स्किल है तो आराम से आप किसी भी कंट्री में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं नंबर वन स्किल की बात करता हूँ वो है इंग्लिश स्पीकिंग। आपको बेसिक इंग्लिश जरूर आना चाहिए। आप अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप 2 या 3 महीने किसी भी कोचिंग सेंटर में जैसे भी जाकर ये बेसिक जरूर अंडरस्टैंडिंग कर लें कि आप इतना इंग्लिश जरूर सीख लें कि आपको अपनी बात अगले को समझा सकें और अगले की बात आप समझ सकें। नहीं तो आपकी काउंटिंग विदेश में क्या होगी, गूंगे के रूप में। आप बोल सकते हैं पर समझा नहीं सकते, तो इसलिए आपको सबसे पहले इसके ओर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे लोग बाहर जाने की सोचते हैं लेकिन वो इन स्किल्स पे काम नहीं करते, जिसके कारण उनको वहाँ जाकर काम मिलने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सबसे पहले इस स्किल पर काम कीजिए। उसके बाद अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम आप सीख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में काम क्या क्या होते हैं, मेनली मैसन का होता है जो मकान बनाने का, दीवार इमारत बनाने का काम करता है। उसके बाद प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, स्टील फिक्सर होता है ना, टाइल लगाने वाला है, पुट्टी करने वाला है, कारपेंटर है। कोई भी काम जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है कोई भी सीख लीजिए, पूरी दुनिया में मांग है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंडस्ट्री आती है वो होटल से रिलेटेड, कुकिंग में कोई काम सीख लीजिए। आप कितने तरह के कुक हैं, है ना, कोई भी चाइनीज कुक है, इंडियन कुक है, जो साउथ इंडियन है, कोई भी कुकिंग में जहां भी आपकी एक्सपर्टी बन सकती है तो आप एक्सपर्टीज बना सकते हैं। किसी भी 6 महीने आप किसी होटल में लगाइए, जो भी आप एक्सपर्टीज जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कनाडा जाएंगे तो आप वहां कनाडा से रिलेटेड कौन से वहां पर रिक्वायरमेंट है वो रिसर्च कीजिए, उसके बाद आपको वहां पर आराम से पैसा ही पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अगली जो स्किल आती है वो आती है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ें आप सीख सकते हैं। आपको टाइपिंग हो सकती है, टाइपिंग की काफ़ी डिमांड है, कई बार दुबई से ही भी हमारे पास डिमांड आती है। उसके साथ साथ टाइपिंग में अब इसके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का, वेब डिजाइनिंग का, डाटा ऑपरेटर का, डाटा एनालिसिस का, कितने सारे कोर्स रिलेटेड होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें काफ़ी सारा पैसा है, आप सीख लीजिए। क्योंकि विदाउट स्किल आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, पहले तो वीज़ा ही मिलना मुश्किल है, और अगर वीज़ा मिल भी गया तो आप कहाँ पर काम करेंगे, हेल्पर में काम करेंगे। हेल्पर में ना तो इतना पैसा मिलता है और दूसरी बात, पैसा मिलता है तो आपको काफ़ी सारा हार्डवर्क भी करना पड़ता है। इसके बाद जो अगली इंडस्ट्री आती है वो आती है नर्सिंग में। नर्सिंग में काफ़ी सारी जॉब है, पूरी ऑल द वर्ल्ड डिमांड है। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, USA, UK, आप कहीं भी जाइए, तो नर्सिंग फील्ड में आपने ANM किया है, JNM किया है, या कोई भी लेबोरेटरी से रिलेटेड कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है, इस तरह की स्किल आप सीखिए, उसमें आपको पूरी दुनिया में काम मिलेगा। तो ये वो स्किल है जिनके दम पर आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद अगर आप ड्राइविंग में जाना चाहते हैं, उसके लिए मेरे पास एक सजेशन है। अगर आप ड्राइविंग की जॉब दुनिया में कहीं करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा दुबई। दुबई में जाकर अपना ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाइए वहाँ का, क्योंकि जो दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो काफ़ी रिकमेंडेड है, उसका एक्सपीरियंस रिकमेंडेड होता है। और साथ ही साथ चीज़ें क्या है कि आपको जो वो एक्सपीरियंस पूरे यूरोप में, US में आपको काम आएगा, तो आप दुबई इसका वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप काफ़ी सारे लोग ड्राइविंग में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आप इन स्किल पर अगर ध्यान देंगे तो आराम से पैसा कमाएंगे। अब विदाउट इन स्किल के आप कहीं जाएंगे तो पूरा परेशानी रहेगी, पहले तो वीज़ा मिलने में परेशानी रहेगी, और उसके बाद अगर मिल भी गया तो वहाँ पर आपको हेल्पर में काम करना पड़ेगा, और आपको पता ही हेल्पर में कितनी सैलरी मिलती है और कितना काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो के लिए आप ब्राइट जोन इमिग्रेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की पूरी कोई भी वर्क वीज़ा से रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्किल है, देखिए आपके पास, देखिए स्किल सबसे पहले होता है, उसके बाद बजट होता है आपका। अगर बजट कम है तो आप दुबई जा सकते हैं, आर्मेनिया जा सकते हैं, और जो भी कंट्री आपके बजट में है। उसके साथ साथ अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यूरोप जा सकते हैं, और थोड़ा अच्छा बजट है तो आप कनाडा जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्किल के अनुसार ही सिंगापुर जा सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप किसी भी तरह के वीज़ा के लिए आप मैसेज कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त